स्वागत है आपका गंभीर न्यूज में। मैं हूं संजीव गंभीर। भले ही बात अपराध को लेकर दावे बड़े बड़े हो रहे हो, अपराध पर अंकुश लगाने की बात हो रही हो, लेकिन नवाबगंज के ग्राम रिछोला में एक युवक सत्यप्रकाश नाम के एक युवक से कहासुनी हुई तो उसने सुनील नाम के युवक से प्रस्तुत है हमारे सहयोगी सज्जाद सईद की ये रिपोर्ट। जरूर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जुड़े रहिए हमसे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ घंटी बजाना मत भूलिएगा। जिसकी गोली लगी वो कौन है आपके? हमारे देवर। क्या हुआ था? कुछ नहीं, एक 15-20 दिन पहले हमारे देवर की बहू पकड़ लई उस लड़का ने जिसने गोली मारी आरोपी ने। हाँ, तो उसका भी फैसला हो गया तो हमने कुछ नहीं। जिसकी गोली लगी उनकी पत्नी पकड़ ना उनकी भाभी हमारे संजले देवर की, उससे बड़े उनकी बहू पकड़ लई। तो उससे लड़की बारे से हमारा फैसला हो गया, इससे कुछ नहीं हुआ, इससे हमने कुछ नहीं कही हुई। तो हमारी सास माँ और इसकी बहन में हुज्जत हो रही दवा, तो बहन माँ और हमारी सास माँ हुज्जत हो रही तो जाओ गाओ घर में जल्दी से जाने फैल लकारो और बे मोड़ पर खड़े हमारे देवर हीने पे मोड़ पे अपनी, तो जाने जल्दी से फैल लाओ लकार को जाने उनके हीने मार दो। अच्छा, जिसने गोली चलाई है क्या नाम है उसका? आदम प्रकाश। आदम प्रकाश। तो अभी हालत कैसी बताई जा रही है उनकी? अभी तो बहुत गंभीर हालत है। तो किस टाइम की घटना है? 12:30 बजे। 12:30 बजे घटना। घर पे चल के आया था? हाँ, चल के आया। तो इससे पहले कोई रास्ते में कहा सुनी ये विवाद? मौत पे ही कहा सुनी हो रही। मैं सास यहीं बैठी, उसकी बहन लकड़ी ले जा रही है, ट्रैक्टर उसी का ठाड़ा। विनोद कुमार। अच्छा, पूरा घटनाक्रम बताओ, क्या हुआ था शुरू से, क्या रंजिश थी इनकी आपस में? आप उसमें रंजिश थी, मतलब एक अभी एक महीना पहले का कहते हैं इसने हमारी भाभी पकड़ी थी। अच्छा। हमने कुछ नहीं किया था। अच्छा, हमने लड़की वाले से हुए उनकी शादी हुई नहीं वो नहीं है वो छोटा है। अच्छा, तो हमने वो लड़की वाले से फैसला कर लिया आपस में, हमने कुछ नहीं किया इनसे, इन्हें छोड़ दिया गया। ठीक है, फिर अभी क्या कहते हैं आपस में गाली फाड़ी चलती होंगी, तो वो खड़ा था यहाँ पर औरतन में चल रही थी, उसने वो खड़ा था उन्हें दी होगी इन्हें दी होगी, उसने आके गोली मार दी। अच्छा, गोली मार दी। हाँ, कौन सी उससे मारी थी गोली? अतला कौन सा था? तीन छोटो वाला था। लड़की किसने पकड़ी थी? वो उसी आत्म प्रकाश जिसने गोली मारी है उसने लड़की पकड़ी थी। उसी ने लकड़ी पकड़ी। लड़की किसकी थी? वही मतलब हमारी भाभी थी ना। इनसे क्या विवाद था? जो इनकी गोली मारी है इनसे क्या विवाद था? भाई था। कहा सुनी मैं? हाँ, किस टाइम की घटना है ये? 12:30 बजे। पुलिस को सूचना आपने किस समय दी? तुरंत कर दी, तुरंत पुलिस आ गई। राजकुमारी जी, क्या हुआ था यहाँ पे पूरे बात बताओ, कौन सी कोई रंजिश थी पुरानी? हाँ, पुरानी जय रंजिश थी, उन्होंने बताई थी। अच्छा, क्या बताएं आप बताएं किस तरह से? मतलब एक महीना पहले हमारे देवर की मतलब बहू पकड़ लगी सही ना,
उसी बात पे मतलब ये लकड़ी ढो रहे थे यार, तभी मतलब ये लड़की आंखें लगा रही थी, हमारी सास ने कही है बताऊ तेरे लिए, इतने में वो आ गया बंदूक लेके हमारे देवर की मार दी यहाँ पर। अच्छा कौन सी उससे मारा था? अच्छा इससे पहले कोई विवाद हुआ था? हाँ यही विवाद हुआ था, यही है सब। हमने मतलब इन पे कोई केस नहीं किया था, हमने आपस गाड़ी को छोड़ दिया था। इससे पहले का कोई विवाद नहीं।